नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, अनादि टीवी के इस खास पेशकश में, जिसको हमने नाम दिया है उम्मीदों का साल 2021। जी हाँ, 2021 का इंतजार सभी को है, वो इसलिए भी क्योंकि 2020 ने इतना कुछ हमें दिया, इतना कुछ परेशान किया। इसको इस तरह से देखें तो बहुत ही अच्छा होगा कि इतना परेशान किया कि कई लोगों ने न जाने क्या क्या कुछ खोया, कई लोगों ने अपने अपनों को खोया, कितनी मौतें हुई कोरोना वायरस की वजह से, हमने ये देखा। और उसके अलावा अर्थव्यवस्था हमारे देश की वो भी किसी से छिपी नहीं है। आइए उसके बाद ये भी हम चर्चा करेंगे कि हमारे भारत पर क्या मुसीबतें आई और आने वाले समय में हम क्या आगे देखते हैं। जी हाँ, अब जो बीत गया सो बीत गया, उसको लेकर क्यों परेशान होना, क्यों रोना, लेकिन जो आने वाला है उसको लेकर तो जरूर आप भी चिंतित होंगे। और हाँ, आपकी चिंता को देखते हुए और ये भी आप जानना चाहते होंगे कि कैसा 2021 में आने वाला भविष्य हमारे देश का होने वाला है, उन परिस्थितियों से हम निजात पाएंगे या नहीं जिनको हमने 2020 में भोगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस चर्चा को ज्योतिष की नजर से। जी हाँ, हमारे साथ अरविंद तिवारी जी बैठे हुए, पंडित अरविंद तिवारी जी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। और यकीन जानिए कि जब जब हम इनके साथ बैठते हैं और जो जो टिप्पणियां इनकी तरफ से होती हैं 100% सटीक बैठती हैं। कई बार मैंने खुद नोटिस किया है कि पंडित जी ने जिन जिन कार्यक्रम में मेरे साथ चर्चा की है उन कई ऐसे टॉपिक्स को हम बाद में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो पता चलता है कि हाँ पंडित जी आपने ऐसा कहा था और देखिए वो सच हो रहा है। तो इसलिए क्यूरियोसिटी मेरे मन में भी है और आप भी बहुत ही ध्यान से इस कार्यक्रम को सुनिएगा क्योंकि हमारे देश से जुड़ा हुआ है, आपकी परेशानी पेंडेमिक कोरोना से जुड़ा हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। पंडित जी, स्वागत के साथ। हमारा देश, हमारा मध्य प्रदेश और उसके अलावा ये कोरोना महामारी कब जाएगी, ये सभी को पूछना है और सभी को जानना है क्योंकि अभी भी भले ही अनलॉक हो गया हो, भले ही चीजें हम दुरुस्त होती हुई देख रहे हैं, सब कुछ खुलता हुआ देख रहे हैं, लेकिन तब भी ये डर है कि जाओ भाई देश से जाओ। देखिए, आपने वो प्रश्न पूछा है जो कि हमारे देश के न केवल नौकरशाहों को वो पसंद है, हमारे देश के जो शासक और सत्ता वर्ग और इवन विपक्ष के जितने भी जो हमारे नेतागण हैं वो सभी परेशान हैं। देश का उद्योग जगत खासतौर से, चूंकि अर्थव्यवस्था इस कोरोना के चलते बिल्कुल मंद हो चुकी है, ऐसा लगता है जैसे उस अर्थव्यवस्था रूपी शेर को पिंजरे में जकड़ कर रखा गया है। उस पिंजरे से उस अर्थव्यवस्था रूपी शेर को निकालने की आवश्यकता है। आम जनता जो बहुत परेशान हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान, अपने घरों को गई, वहां भी कोई काम नहीं मिला, अंतोदगतवा लौट कर आए और वहां भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी परेशानियां केवल एक चीज के कारण है जिसका नाम है कोरोना, और सभी परेशान है। देखिए, मैं कोरोना के बारे में मैंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, एक बार पुनः आपके माध्यम से, आपके साथ हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो दर्शक और हमारी जो जनता इस कार्यक्रम को देख रही है, मैं उनको ये बतलाना चाहूंगा। देखिए, कोरोना कभी नहीं जाएगा, जैसे पुरानी बीमारियां कभी नहीं गई। आज भी मलेरिया होता है, आज भी सर्दी खांसी जुकाम बुखार हमको होता है, आज भी चेचक और प्लेग जैसी बीमारियां हैं, लेकिन उन सारी बीमारियों के इलाज हमारे पास मौजूद हैं, वैक्सीन यानी टीकाकरण के रूप में, दवाइयों के रूप में आज हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे ही आने वाले कई सालों के बाद आपको लगेगा कोरोना एक सामान्य फ्लू यानी सामान्य सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारी रहेगी, खत्म नहीं होगी, परंतु उसका प्रभावी इलाज 2021 में जरूर देखने को मिलेगा। और यह मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश और दुनिया पर इस समय ग्रहों की दशा थोड़ी सी बेहतर हुई है। दो बड़े ग्रह खासतौर से जिनको शनि और राहु कहा जाता है, उनका राशि परिवर्तन बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। शनि अपने घर यानी स्वराशि में यानी मकर राशि में आकर बैठ गया है, वही राहु जो कि मिथुन राशि में बैठकर COVID-19 यानी कोरोना वायरस को जिसने जन्म दिया, वो वहां से राशि परिवर्तन करके अब वृषभ राशि में आकर बैठ गया है। ऐसा कहा जाता है कि वृषभ राशि में वो उच्च का होता है, उच्च के फल देता है। वही केतु जिसका पूरा व्यवहार मंगल के समान होता है, वो मंगल की ही राशि यानी वृश्चिक राशि में गोचर रत है। और आप देखिए कि गुरु जो कि पिछले 13 महीनों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाए हुए था, वो धनु राशि में बैठा था। हालांकि वो खुद की राशि थी, लेकिन भारतवर्ष की कुंडली में वो चूंकि अष्टम भाव में था, अब वो नवम भाव में गुरु और शनि के साथ युति बनाकर आगे बढ़ रहा है। तो देश के लिए भी एक अच्छी खबर होगी,
कोरोना वैक्सीन हमारे देश को मिलेगी, हमारे देश में कोरोना को लेकर जो भ्रम और आशंकाएं और कुशंकाएं हमारे मन में बनी हुई थी वो भी समाप्त होंगी। मैं आप ही के चैनल और आप ही के इस प्रोग्राम के माध्यम से इस बात की भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 14 फरवरी को जब राहु के साथ मंगल की युति होगी और गुरु और शनि मकर राशि में डिग्री वाइज लगभग 6 डिग्री के आसपास होकर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे, और उस समय हमारे देश में वैक्सीन यानी टीकाकरण का एक बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा और हमारे देश में जो कोरोना की जो चेन जिसके कारण लोग लगातार आशंकित हैं, लगातार चूंकि हाथ धोना, मुंह पे चेहरे पर मास्क लगाना, पीपीई किट कई मामलों में किसी आवश्यक जगह पर जाकर आपको खड़े होना उसके लिए आवश्यक है, मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर मई के महीने तक ऑलमोस्ट जो कोरोना की एक चेन है उसको हम तोड़ पाने में सफल अवश्य होंगे। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छी खबर है कि कम से कम लोग मई तक इंतजार करें और मई के बाद हम और अच्छे दिन 2021 में देखेंगे। नया साल 2021 कोरोना वैक्सीन भी लेकर आने वाला है और मई तक कोरोना को कम से कम भगाने वाला है, ऐसा आप सोच सकते हैं। पंडित जी, हम जब नौकरी की बात करते हैं, हम जब ये सोचते हैं कि हम मैं कोई नया काम शुरू करूं, लेकिन उसके लिए क्योंकि हर किसी काम को सक्सेस तभी मिलती है जब आपके प्रोडक्ट को, आपकी चीज को कोई खरीदने वाला हो। और जब हम रोजगार की बात करते हैं तो जाहिर है रोजगार कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में उनको लाना, और उसके लिए हमारे देश में प्रयास बहुत हो रहे हैं कि निवेश आ जाए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, कंपनीज यहाँ पर लगाएं लोग आके, और उसके बाद हमारे देश में रोजगार बढ़े। तो जो लोग अपनी राशि को लेकर बात करते हैं कि मैं इस राशि का जातक हूं और मेरी नौकरी कब लगेगी, नौकरी तो तभी लगेगी जब देश में कुछ आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था और आने वाले निवेश को लेकर भी बात हो कि लोगों को ये पता चले कि आने वाले दिनों में 2021 में हमारे देश में क्या संभावनाएं बन रही हैं निवेश को लेकर, और क्या हमारे देश में लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम जो जैसे कई ऐसे लोग हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि आइए कोई तो आइए इन्वेस्ट कीजिए ताकि हमें रोजगार मिल सके। बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, आर्थिक व्यवस्था देश को चलाने के लिए, हमारे देश का जो आकार है, चूंकि वृषभ लग्न का देश है, चूंकि उसकी राशि, उसका जो लग्न है वो वृषभ यानी बैल के आकार का है, और आप देखिए कि बैल बहुत मेहनती होता है, हमारे देश का जो नागरिक है वो बहुत मेहनती है, हाड़ तोड़ माने जी जान लगाकर वो मेहनत करना चाहता है और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। हमारे देश के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की, उसमें उन्होंने जो एक आकृति निर्धारित की वो शेर के आकार की है। तो आप देखिए दोनों आकृतियों को आप यदि बहुत ध्यान से देखें, शेर और बैल दोनों बहुत मेहनती होते हैं, किसी भी काम को करने में बहुत मेहनत होती है और चलने में बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? ये हमारी अर्थव्यवस्था से प्राप्त होगी। यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो हम अपने देश को, कहा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के आसपास ले जाना है, जहां पर हमारे पास जो अर्थव्यवस्था का जो महत्व माने जो सूचकांक होता है उसको हम, हमारे देश में जो डॉलर का जो रिजर्व होता है उससे निर्धारण होता है। यदि 5 ट्रिलियन डॉलर या 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हमारे देश में होगी तो हम न केवल अपना सामान बेच पाएंगे अपितु हमारे देश में जो मुद्रा का भंडार है वो भी कई गुना बढ़ेगा, और हमारे देश में जब मुद्रा का भंडार होगा तो देश में सुख सुविधाएं, हमारे देश की जो सुख सुविधाएं उनमें क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? सड़क, बिजली, पानी, हमारे जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार की आवश्यकता है। आजकल का दौर, जैसा अभी आपने बात की स्टार्टअप्स की बात की, हर आदमी अपनी राशि के अनुसार चाहता है कि वो अपना स्वयं का काम करे, आज के दौर में उसको स्टार्टअप्स कहा जाता है कि आप एक नया स्टार्टअप आप लगाइए और आप रोजगार पैदा करिए और साथ में अपने साथ 5 से 10 या जितना ज्यादा लोगों को आप अपने स्टार्टअप से जोड़ के रोजगार आप प्रदान करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था, देश उतना ही आत्मनिर्भर होगा। अब आपने एक बहुत सुंदर सा प्रश्न किया कि हमारे देश में लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, क्या विदेश से इन्वेस्टमेंट आएगा? ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके द्वारा हुआ, मैं इस प्रश्न का ज्योतिष के हिसाब से जवाब देता हूं। देखिए, हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था का जो कारक ग्रह है वो कारक ग्रह है गुरु। हमारे देश में चूंकि स्वतंत्र भारत की जो कुंडली है, वैसे तो हमारा देश अखंड भारत था लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ,
तो देश की एक कुंडली बनी वृषभ लग्न कर्क राशि में, मध्य रात्रि 12:30 बजे देश वृषभ लग्न के रूप में प्रकट हुआ। और वृषभ लग्न में दो महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शनि चूंकि भाग्येश और कर्मेश होता है, अर्थात भाग्य का स्वामी ग्रह होता है और काम का स्वामी ग्रह होता है, तो वो अब वर्तमान में शनि का प्रवेश मकर राशि यानी भाग्य स्थान में हो गया। देखिए पिछले 18 महीनों से गुरु ग्रह धनु राशि यानी भारत की जो कुंडली में अर्थ का जो स्वामी ग्रह है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ था, केतु के साथ उसकी युति बनी हुई थी, अब केतु गुरु से दूर हो गया है और शनि के साथ गुरु आ गया है, तो अब भारत में इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। इन्वेस्टमेंट आएगा, देखिए उसकी शुरुआत मुझे लगता है कि जब गुरु और शनि थोड़ा सा डिग्री पकड़ेंगे, और गुरु अप्रैल के महीने में अतिचारी होगा। अतिचारी से मतलब होता है कि गुरु के ग्रह की जो प्रवृत्ति होती है वो अपनी राशि से अगली राशि में आगे बढ़ जाता है, उसको हम अतिचारी कहते हैं। तो गुरु ग्रह मकर से निकलकर कुंभ में रहेगा, लगभग 60 से 90 दिनों तक वो अतिचारी अवस्था में रहेगा, हालांकि इस दौरान वो वक्री भी होगा। वक्री का तात्पर्य होता है कि कोई ग्रह सीधे चल रहा हो लेकिन अचानक वो अपनी दिशा को थोड़ा सा बदल ले और वो उल्टी तरीके से घूमने लगे, तो उसको हम लोग वक्री गति से घूमना कहते हैं। तो गुरु और शनि दोनों वक्री होंगे, लेकिन गुरु चूंकि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो देश में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ अगले प्रश्न की ओर। पंडित जी, ये तो हम अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा हम और भी देश के अंदर आ जाते हैं। कई ऐसे इश्यूज हैं हमारे देश में, अभी हम देख रहे हैं जो करंट इश्यू चल रहा है वो किसान कर्ज माफी, सर्दियों का समय है और इस समय पर हम देख रहे हैं जो ट्रिपल कृषि कानून, माफ कीजिए कर्ज माफी नहीं, ट्रिपल कृषि कानून जो हम देख रहे हैं, इसको लेकर हमारे देश में किस तरह की हाहाकार मची हुई है। किसान एक तरफ ठंड में बैठा हुआ है, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो कानून है ये कृषि के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। अब जाहिर है जो ये स्थिति बनी है ये नए साल तक भी रहेगी, लेकिन क्या किसान पीछे हटेंगे या सरकार पीछे हटेगी या इस कानून में हम बदलाव देखेंगे, यानी इसका सोल्यूशन होगा तो क्या होगा? देखिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। मैंने आपको अभी चर्चा के दौरान ये आपको बताया कि मंगल ग्रह जब मेष राशि में होता है तो वो देश की जनता को उद्वेलित कर देता है। अगस्त के महीने में भी मेष राशि में ही मंगल ग्रह बैठा हुआ था और उसने क्या करा, जनता के एक वर्ग खासतौर से किसान जो कि कृषि का वर्ग होता है, और आप देखिए कि सितंबर के महीने में बुध ग्रह चूंकि हमारी देश की जो कृषि व्यवस्था को का प्रतिनिधित्व करता है वो अस्त होकर सिंह राशि में उसने प्रवेश किया और सिंह राशि से उसने आगे बढ़ना शुरू किया। सिंह राशि अमूमन हमारे देश की उत्तर भूभाग का को प्रतिनिधित्व करती है, तो आप देखिए कि मंगल का प्रवेश मेष राशि में हुआ, बाद में वो मेष राशि में ही वक्री हो गया माने रिट्रोगेशन में हो गया, उसने देश के जो जनता थी उनमें असंतोष का भाव भरना शुरू कर दिया। सिंह राशि में गया, बाद में वो सितंबर के महीने में लगभग 3 सितंबर के आसपास वो कन्या राशि में चला गया उच्च का होकर, तो आप देखिए कि मंगल का मेष राशि में वक्री होना, कन्या राशि में गुरु का होना, पंजाब चूंकि कन्या राशि का देश है प्रदेश है वहां से ये आंदोलन बढ़ना चालू हुआ और वो आंदोलन बढ़ता 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 आज हमारे प्रदेश देश की जो राजधानी है उसके चारों तरफ आकर पहुंच गया। देखिए पिछले 1.5 महीनों में लगभग 40 दिनों में मंगल का गोचर मीन राशि में चला, क्योंकि देश की जो राजधानी है वो मीन राशि का प्रदेश है, जब भी मंगल वहां पर आता है तो आप देखिए कोई ना कोई आंदोलन आ जाता है। पिछले साल शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, उससे पहले अन्ना आंदोलन हुआ, उससे पहले निर्भया केस को लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए, तो जब जब शनि मीन राशि में आता है तो ये आंदोलन होने लगते हैं। आपने चूंकि बहुत सुंदर प्रश्न किया कि देश के किसानों के हित में हमारे जो देश की सरकार थी उन्होंने 3 कृषि कानून लेकर आई और उसको लेकर हमारे देश की जो किसान है उनके मन में एक असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ कि आखिरकार ये किसान बिल हमारे हित में है या नहीं है। देखिए हमारे देश की सरकार तो उस बारे में कह रही है, लेकिन आपका जो मूल प्रश्न था क्या आंदोलन किसानों की मांगों के साथ समाप्त होगा या वो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, मुझे लगता है
कि किसानों की मांग पूरी नहीं होगी, किसानों का ये बिल इसी स्वरूप में जारी रहेगा और उनकी मांग को मुझे लगता है कि देश की सरकार नहीं मानेगी। और मुझे लगता है कि एक जो छोटा सा युद्ध होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच में, शायद वो युद्ध की ऐसी स्थितियां बनेगी, क्योंकि राहु के साथ मंगल ग्रह की भी युति होने वाली है। देश का अल्पसंख्यक वर्ग, खासतौर से सिख हो, मुस्लिम हो या जो भी अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, वो भी थोड़ा सा रुष्ट होगा। तो देश में कुछ ग्रह युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी, कुछ ऐसी आतंकी घटनाएं होंगी जिनके चलते ये किसान आंदोलन जिस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ हुआ था उस उद्देश्य को पूरा किए बिना ही अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ हम आगे बढ़े तो हम पास के राज्य छत्तीसगढ़ को भी देख लें पंडित जी, और उसके अलावा क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनमें कांग्रेस ने सरकार ही किसानों के मुद्दे पर बनाई थी, और इस वक्त हॉट टॉपिक हमारे देश में किसान ही है। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई, 15 महीने ही कमलनाथ जी रह पाए, छत्तीसगढ़ में अभी भी बरकरार है। वहां पर कृषि को लेकर इस वक्त बहुत मुद्दे उठ रहे हैं, विधानसभा में भी सत्र में भी इस तरह के मुद्दे उठे, धान खरीदी को लेकर बातें सामने आ रही है, और क्योंकि ढाई ढाई साल वाला फॉर्मूला भी आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में, ये भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, कहा जा रहा है कि क्या ढाई साल के बाद, तो ढाई साल जो पूरे होंगे वो 2021 में पूरे हो रहे हैं भूपेश साहब के। तो भूपेश साहब को आप और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को कैसे देखते हैं? कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी भूपेश सरकार के साथ या मुख्यमंत्री बदल जाएंगे लेकिन सरकार वही रहेगी? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया छत्तीसगढ़ को लेकर। मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की कुंडली की बात कर लेता हूँ। छत्तीसगढ़ जो है वो धनु लग्न और मेष राशि का प्रदेश है। हमारे जैसे मध्य प्रदेश भी धनु लग्न का है, कन्या राशि मध्य प्रदेश की है और मेष राशि छत्तीसगढ़ की है। आपने प्रश्न पूछा किसान आंदोलन, खासतौर से धान को लेकर वहां बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ थोड़ा सा प्रभावित होगा क्योंकि मंगल का मेष राशि में परिवर्तन हो रहा है जी। और मंगल का मेष से लेकर 30 जुलाई तक कर्क राशि में जो ट्रांजिट है वो खासतौर से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए शुभ नहीं माना जा सकता। भूपेश बघेल साहब की मैं कुंडली की बात कर लेता हूं, तो भूपेश बघेल साहब को मुझे लगता है कि 23 तारीख का जो 23 दिसंबर निकली है वहां से लेकर 30 जून तक संघर्ष करने की स्थिति रहेगी। हो सकता है कि सत्ता को लेकर बहुत ज्यादा संकट वाली स्थिति हो। बात कर लेते हैं, आपने प्रश्न पूछा कि क्या वहां कांग्रेस की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि वहां कांग्रेस की सरकार को खतरा बहुत है। जब तक वो 30 जुलाई का समय नहीं निकाल लेती तब तक मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद वहां ना रह पाए। हालांकि बहुत भारी बहुमत से वहां पर सरकार बनी हुई है, परंतु भूपेश बघेल साहब की या कांग्रेस की जो कुंडली कहती है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए आने वाले 6 महीनों का समय बहुत संकट भरा है। परंतु एक बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि भूपेश बघेल की कुंडली टीएस सिंहदेव बाबा के ऊपर बहुत भारी है, उनकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो बहुत मजबूत हैं। यही कारण है कि आप देखिए कि भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बतलाना चाहूंगा कि भूपेश बघेल साहब की जो शपथ ग्रहण की जो कुंडली थी वो वृषभ लग्न और मीन राशि की कुंडली थी। स्थिर लग्न में एक ही सरकार ने स्थिर लग्न में शपथ ली थी, वो थी भूपेश बघेल की सरकार। आप देखिए, राजस्थान में बड़ा भारी संकट आया, मध्य प्रदेश में तो सरकार ही बदल गई, राजस्थान में भी सरकार में चला चली की वेला है, कब किस दिन वहां सरकार चली जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिरता बनी रह सकती है, लेकिन किंतु और परंतु ग्रह, खासतौर से मंगल ग्रह जो कि मेष राशि से 30 जुलाई तक कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, ये भूपेश बघेल और कांग्रेस के लिए शुभ संकेत किसी भी रूप में नहीं देंगे। बिल्कुल, तो ये तो हमने छत्तीसगढ़ की बात कर ली, और खास तौर पर चूंकि वहां पर जो संकट मंडरा रहा है कुर्सी पर, वो भी अपनों के सही एक ही साथ संघर्ष की स्थिति बन रही है। एक तरफ है टीएस बाबा तो दूसरी तरफ है भूपेश बघेल, क्योंकि कहा ये जा रहा था शुरुआत में कि इनके बीच जो अनुबंध हुआ है वो ढाई ढाई साल का हुआ है, और ढाई साल भूपेश बघेल साहब के इस 2021 में ही होने वाले हैं, इसलिए प्रश्न बहुत जरूरी था कि छत्तीसगढ़ की जनता भी क्योंकि सुन रही है। आगे बढ़ते हूं पंडित जी, और अब हम मध्य प्रदेश की तरफ, अपने राज्य की तरफ आ जाते हैं, और इसी के साथ हम थोड़ा सा और छोटा सा कमेंट उसके बाद हम चाहेंगे कि हम देश के बारे में भी पता कर लें, लेकिन मध्य प्रदेश क्योंकि हम इसी धरा में बैठे हुए हैं तो जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कैसी स्थिति बनने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिंधिया खेमे को हमने देखा जुड़ गया, और उसके बाद जो हवाला कांड वाली जो खबर आई उसमें दोनों ही पार्टी के जो लोग हैं वो फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शिवराज जी, क्योंकि अब शिवराज जी की चौथी पारी है, कुर्सी पर कांटे बड़े हैं, शिवराज जी कैसे आगे राज्य को लेकर जाएंगे, उनके सामने भी चुनौतियां हैं, कर्ज
लेकर सरकार चल रही है और उसके बाद उन्हें ये भी देखना है कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट भी होता रहे, जो योजनाएं हैं वो यथावत चलती रहे। तो शिवराज जी और मध्य प्रदेश को इस चौथे कार्यकाल में उनकी आप कैसे देख रहे हैं, 2021 उनके लिए कैसा आने वाला है? देखिए 2021 में खास तौर से उनको आर्थिक क्षेत्र में बहुत संकटों का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में 2021 में कोई नई चीज बड़ी होने की कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। कोई बड़ा औद्योगिकरण, कोई बड़ा डेवलपमेंट, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आएगा, चूंकि मध्य प्रदेश कन्या राशि का स्टेट है। पंचम भाव में चूंकि शनि का गोचर है, आने वाले दिनों में वक्री होगा, गुरु और शनि दोनों की युति चल रही है, तो मध्य प्रदेश में थोड़ा सा संकट रहेगा। चूंकि आपने प्रश्न कहा कि सिंधिया सरकार, सिंधिया खेमे के लोग भारतीय जनता पार्टी में चूंकि शामिल हो गए हैं, चूंकि सिंधिया जी की कुंडली वो मकर राशि, धनु लग्न मकर राशि के जातक हैं, हालांकि उनको केंद्र में मंत्री तो बनाया जाएगा परंतु सिंधिया समर्थकों को उचित स्थान मध्य प्रदेश में मिलने में अभी भी कष्ट की संभावना रहेगी। खासतौर से आप देखेंगे कि दो मंत्री तुलसी सिलावट साहब और गोविंद राजपूत जी को मंत्री बनने में काफी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मुझे लगता है 14 फरवरी से मार्च के बीच में शायद मंत्रिमंडल का कोई विस्तार हो, परंतु जो उचित उनके पास पद थे शायद वो ना मिल पाए और बाकी लोगों को भी उतना एडजस्ट होने में मुझे लगता है परेशानी होगी। तो ये मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थकों के लिए स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश में खासतौर से आर्थिक रूप से पिछड़ापन और कृषि के क्षेत्र में जैसी परेशानियां हमेशा बनी हुई हैं वैसी रहेंगी। 2021 शिवराज जी के लिए मध्य प्रदेश चुनौतियों से भरा रहेगा। चुनौतियां बहुत होने वाली हैं, बीजेपी और शिवराज जी की सरकार जो मध्य प्रदेश में है, और चुनौतियां पहले भी कम नहीं थी शिवराज जी के सामने, और इस बार तो चौथा कार्यकाल है उनका। कहते हैं जैसे जैसे आप समय बढ़ता जाता है आपका, वैसे वैसे आपके सामने और भी चुनौतियां होती हैं, क्योंकि पहले के भी सवाल आपसे अभी पूछ लिए जाते हैं कि भाई आपने कहा था, वादा तो किया था, क्या हुआ तेरा वादा। पंडित जी, हम देश, हमारे देश के साथ दूसरे देशों की जो स्थिति है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे देशों से भी हमारे संबंध अच्छे बने, ताकि उसके बाद हम जो ग्रोथ की बात कर रहे थे शुरुआत में, उस ग्रोथ को लेकर हम देश को लेकर हम अच्छी स्थिति में हमारे देश को देख सकें। तो बाकी जो देश हैं जिनसे संबंध बनाने की स्थिति हो रही है, चाहे वो सऊदी अरब हो, हम भी ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से भी हमारे अच्छे रिश्ते बन जाएं, लेकिन हो वो मुमकिन हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या किया जाएगा? लेकिन कैसे देखते हैं आप दूसरे देशों के साथ हमारा देश? देखिए भारत के जो संबंध है खासतौर से अरब ममालिक के साथ, यानी जो अरब कंट्रीज के जो देश हैं उनके साथ संबंध बहुत मजबूत होने वाले हैं। खासतौर से सऊदी अरब और यूएई जो बड़े देश हैं, कतर के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, बहरीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे, लेकिन आने वाले दिनों में गल्फ कंट्रीज जिनको कहा जाता है कि जो गर्म धारा का जो देश है, वहाँ के जो देश हैं उन सभी से संबंध बहुत खास तौर से बहुत मजबूत होने वाले हैं। विशेषकर सऊदी अरब और यूएई जो है वो भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे और भारत के उनके साथ इतने प्रगाढ़ संबंध होने वाले हैं जो पिछले 50 वर्षों में नहीं हुए। बहुत सारा वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। चूंकि आपने भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात की, देखिए संबंधों में मैं हमेशा ग्रहों की बात करता हूँ। चूंकि इमरान खान साहब जिनकी कुंडली, चूंकि वो मिथुन लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं, उनकी कुंडली में ग्रह जैसे ही उन्होंने शपथ ली, उस शपथ ग्रहण से ही ग्रह हमेशा माना जाता है कि जिस दिन आप शपथ लेते हैं पूरे आपके कार्यकाल उसी कुंडली के द्वारा निर्धारित होता है। तो जिस समय उन्होंने शपथ ली उस समय उनके जो ग्रहों की स्थिति थी वो इतनी खराब थी कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, या पाकिस्तान से जो भी मुल्क लगते हैं, चूंकि चीन सीधा लगता नहीं, चीन चूंकि भारत का जो हिस्सा है जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, उसको उन्होंने चूंकि दे रखा है, तो वहां से चीन जुड़ता है, चीन से चूंकि वो चीन के ऊपर निर्भर है। पाकिस्तान और चीन दोनों की एक ही राशि है, मिथुन राशि के देश हैं, दोनों एक ही नक्षत्र अर्थात आद्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, राहु के नक्षत्र में, इसलिए दोनों का प्रेम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रहता है। परंतु इमरान खान की कुंडली बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में इमरान खान अपनी सत्ता से हट सकते हैं। यानी मैं अब 6 महीने का समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मंगल वहां भी उनकी कुंडली में बड़ा महत्वपूर्ण है और उनकी राशि से इस समय शनि और गुरु दोनों 12वें भाव में गोचर रथ हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से इमरान खान की विदाई शायद आने वाले 6 महीनों में हमको देखने को अवश्य। उम्मीदों का साल 2021, लेकिन उम्मीद शेयर मार्केट को भी बहुत है। पंडित जी, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग हैं उन्हें भी बहुत उम्मीद है कि शेयर मार्केट 2021 में
अच्छे संकेत लेकर आएगा, लेकिन आपकी नजर से, ज्योतिष की नजर से शेयर मार्केट आने वाले साल में क्या कहता है? देखिए, शेयर मार्केट बहुत बड़ी बात है और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने में बिग बुल यानी शेयर मार्केट की सबसे बड़ी भूमिका है। शेयर मार्केट जिसकी राशि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हम उसको कहते हैं, वृषभ राशि का वो स्टॉक एक्सचेंज है। और देखिए, वृषभ राशि से इस समय भाग्य स्थान में शनि और गुरु का गोचर है, तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट आने वाले दिनों में इतनी ऊंचाइयों को पार करेगा कि जो 2020 में हमको देखने को नहीं मिला वो 2021 में हमको शेयर मार्केट में अवश्य देखने को मिलेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखें कि बीच में मंगल जब जैसे ही राशि परिवर्तन करेगा, अर्थात 14 फरवरी को मंगल वृषभ राशि में आएगा राहु के साथ युति बनाकर, तो 14 फरवरी से लेकर अप्रैल का जो महीना है अर्थात वो 90 दिन उसमें रहेगा, 60 दिन उसमें रहेगा, तो 60 दिनों में वो मार्केट उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। परंतु जैसे ही मंगल वृषभ से निकलकर मिथुन में प्रवेश करेगा, शेयर मार्केट एकदम अपने हाई उस पर पहुंचेगा और आप देखेंगे कि जिन लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे लगता है कि उनको शेयर मार्केट इस साल न केवल लखपति या करोड़पति भी बना सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारे इस कार्यक्रम में हमने फरवरी का महीना देखा जहाँ पे चेंजेस कई जगहों पर हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा फरवरी के महीने में जो भी पंडित जी ने बताया। पंडित जी, आपके साथ बैठना, आपके साथ कार्यक्रम करना इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर टॉपिक का नॉलेज आपको होता है, चाहे आप किसी भी सवाल को आपके सामने रख दीजिए, आपकी नजर हर तरफ रहती है। और जब भी हम आपके साथ बैठकर भविष्यवाणी किसी चीज की सुनते हैं तो जब आगे उसको लेकर बात होती है तो जरूर हम कहते हैं कि पंडित जी ने ये बात कही थी और देखिए आज सच हो रही है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हमने देखा है, वास्तविकता में हमने देखा है। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में इतनी सारी बातों का जवाब देने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। देखिए, जो ज्योतिष होते हैं वो राशियों के बारे में तो बताते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में तो बताते हैं, लेकिन अरविंद तिवारी जी जो ज्योतिष होते हैं, जो पर नजर रखते हैं हर उठते बैठते मूवमेंट पर, टॉपिक्स पर, चाहे वो देश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, राज्यों की बात हो या फिर शेयर मार्केट की बात हो, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर ज्योतिष के नजर से हमने जाना कि कैसा रहने वाला है हमारा साल 2021, जिससे उम्मीदें तो बड़ी हैं। तो आप देखते रहिए अनादि टीवी, रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल और अनादि टीवी परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।